स्मार्ट मीटर की जहां तक बात आ रही है, बिहार में सबसे महंगा बिजली जो है पूरे देश में बिहार में मिलता है। और इस महंगे बिजली को लेकर के जिस हिसाब से ये स्मार्ट मीटर नहीं स्मार्ट चीटर मीटर हो चुका है, इससे जनता त्रस्त हो चुकी है। अब लोग जो है परेशान है, लेकिन सरकार जो है अड़ी हुई है। हम लोगों ने जो कहा था चुनाव से पहले वो हम लोगों ने कमिटमेंट पूरा किया, और हम लोगों ने ये भी तय किया है कि भाई 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है देने का काम करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अगर देखा जाए, कानून व्यवस्था की अगर बात की जाए, तो प्रत्येक दिन आप देख सकते हैं, हम भी बुलेटिन जारी करते हैं, प्रेस रिलीज में देते हैं, कोई ऐसा जिला ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हत्या लूट अपहरण रेप जैसे संगीन मामले हो रहे, लेकिन यहां कोई सुनवाई नहीं है। FIR बड़ी मुश्किल से होता है, FIR होता तो इन्वेस्टिगेशन जो है जीरो है, जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय नहीं मिल पाता, जो दोषी है उनको सजा नहीं दिला पाते हैं, ऐसे कई एक उदाहरण। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बिहार में वो भयावह हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, व्यक्तिगत तौर पे हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, थक चुके हैं। और हम लोग भी आजकल देख रहे हैं जो स्थिति उनके साथ हो रही है, क्या हालात हो गए इसकी चिंता हमको भी है। लेकिन जिस प्रकार से बिहार में अफसरशाही चरम पर है, जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं होती है, लोकतंत्र में इसीलिए भाई चुनाव होता है, जनता अपने बीच से प्रतिनिधि भेजती है ताकि उनकी बातों को रखा जाए, लेकिन पूरी तरीके से बिहार में केवल अफसरशाही है। जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग होता है बिहार में, ट्रांसफर पोस्टिंग जो भी बिहार में होता है, कैसे होता है ये हर एक बिहार के लोग जानते हैं। इसलिए हम लोग सब लोगों को संकल्प लेना है, संगठन को मजबूत करना है, एक नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, यहाँ केवल पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई की बात हो, ना कि केवल नफरत फैलाने की बात हो, ना कि समाज को एक दूसरे से लड़ाने की काम किए जाए, क्योंकि कोई उपलब्धि है नहीं। अब जब उपलब्धि ही नहीं है तो लोग चाहते हैं कि नफरत की राजनीति करके जो है चुनाव जीता जाए। हम लोगों का उद्देश्य है कि बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, बिहार को क्या मिला? सबसे ज्यादा सांसद जो है लगातार एनडीए को 10 साल में दिया, 39 सांसद पहले और अभी लगभग 30 सांसद, 10 सालों में बिहार को क्या मिला? आज जो सरकार बनी है केंद्र में, बिहार के बलबूते बनी है, बिहार के वोटरों ने उस सरकार को मत दिया है, लेकिन बिहार को बदले में क्या मिला? केवल छलावा, केवल सौतेलापन। चुनाव से पहले बिहार को